फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार प्रसाद। आज जो सब्जेक्ट मैं डील करना करने जा रहा हूँ, जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बेसिकली देखिए, ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं उस सब्जेक्ट के बारे में आइडिया तो दूंगा, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंटेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, खासकर जो सिविल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं या सिविल इंजीनियरिंग जो बच्चे कर रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे बी बी टेक कर रहे हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उससे मैटर नहीं करता। अगर वो आप सिविल से कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए आज का जो मतलब जो आज सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे डील ये करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप सिविल में हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, तो देखिए ऐसा अगर देखा जाए तो सिविल में बहुत सारी मतलब स्कोप्स है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, इतना स्कोप है कि मैं गिना भी नहीं सकता। मगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, एक छोटा सा हम लोग बात करेंगे, बहुत छोटा सा टॉक रहेगा उसके बारे में। तो पहले देखते हैं कि मतलब सिविल में जो आप लोग सोचते हैं कि सिविल में किस फील्ड में जाना चाहिए, बहुतों को डाउट ये रहता है कि सिविल में हम किस फील्ड में जाएं, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है या बहुत अच्छे कल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पर हमें कल मतलब ईजिली एक अच्छा स्टेबल लाइफ मिल सकता है, एक अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि सिविल में मैं जहाँ तक मैं अपने वे में बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे स्कोप हैं, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि चार इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, अगर आप सर्वे सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर्वे का सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, और सर्वे का सब्जेक्ट आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, बहुत लोग ऐसे बच्चे हैं जो सर्वे को बस पास होने के लिए पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब जस्ट पास हो गए, काम खत्म, ओवर। तो देखिए, मेरा मानना सिंपल सी बात है, आप सारे सब्जेक्ट तो आपको पास होना ही है, क्योंकि अगर आप पास नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी डिग्री क्लियर नहीं होगी। लेकिन अगर जिस सब्जेक्ट में या जिस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, उस सब्जेक्ट का थोरो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। थोरो नॉलेज मतलब एक एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, क्यों होता है, कैसे होता है, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर इन फ्यूचर जैसे बच्चे लोग देखते हैं कि फ्यूचर में क्या बनना चाहिए, तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि मतलब जैसे ग्राउंड में, रोड पे कई बार देखे होंगे कि ट्राइपॉड लगा के किसी एक इंस्ट्रूमेंट से आपका चेक करते हैं, लेवलिंग चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले के ज़माने में जो लेवलिंग चेक होता था ऑटो लेवल से होता था, डंपी लेवल से होता था, कई जगह आज भी होते हैं, मगर जितनी दुनिया एडवांस होती जा रही है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके आज के डेट में आ चुके हैं, टोटल स्टेशन आ चुका है, स्कैनर आ चुके हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं मार्केट में। तो अगर आप एक अच्छा सर्वेयर बनना चाहते हैं, देखिए अगर आप सर्वे सब्जेक्ट लेंगे तो एक आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है सर्वेयर बनने का। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको अच्छा सर्वेयर बनना है तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ बी और बीटेक में या डिप्लोमा में, जस्ट आप सर्विंग सब्जेक्ट पढ़ के आप बहुत अच्छे सर्वेयर नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, बेस आपका जहां क्लियर होगा वो आपका यहीं पे होगा। तो आप एक काम कीजिएगा, जब भी आप सर्विंग पढ़ें और अगर आपको सर्वेयर बनने का इच्छा है या फ्यूचर में सर्वेयर पे मतलब सर्विंग पे अच्छा मतलब एक फ्यूचर देखते हैं, तो आप सर्विंग सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कीजिएगा। और जैसे आपका डिग्री कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप जरूर करते मतलब कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सर्विंग के काफ़ी अच्छे प्रैक्टिकल्स होते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स पे वर्क करवाया, तो वहाँ आप सीखिए, आपको बहुत अच्छा एक फ्यूचर मिलेगा। सेकेंड जो आपका है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए आप लोग जब भी मेरे ख्याल से जितने व्यूअर्स हैं लाइफ में कभी ना कभी आप लोगों ने प्लान देखा होगा। प्लान क्या होता है मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। प्लान जैसा कि हम लोग जब भी कोई घर खरीदने जाते हैं, फ्लैट्स खरीदने जाते हैं, घर खरीदने जाते हैं, तो जो हम लोग को जो डीलर होता है या जो आपका बिल्डिंग प्लानिंग वाला जो आपका पेज आता है, जो उनके ब्रोशर्स रहते हैं, उसमें आपका बाकायदा प्लान दिया रहता है कि कहाँ पे रूम होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे क्या चीज़ होगा, मतलब सारी चीज़ें जो दी रहती है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्लानिंग, ठीक है। वो प्लानिंग का अगर आपको पार्ट अच्छा हो गया, या आप समझ के चलिए कि अगर आपको एक फ्यूचर में एक अच्छा प्लानर बनना है, तो उसके लिए जो आपका सब्जेक्ट है सिविल में वो है आपका सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए इसको सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग को कई यूनिवर्सिटीज़ में एज ए बिल्डिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के तौर पे ही पढ़ाया जाता है, बिल्डिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट के तौर पे भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। थर्ड आपका जो मतलब सब्जेक्ट है, थर्ड सब्जेक्ट मैं बोलूंगा कि अगर आपको डिजाइनर बनना है, ठीक है, डिजाइनर मतलब
देखिए यहाँ पे डिज़ाइन का मतलब है, मैं क्लियर कर दूँ कि दो चीज़ें होती हैं। कई बच्चे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर डिज़ाइन का मतलब भी तो यही होता है जो हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं। नहीं, ध्यान समझिएगा कि डिज़ाइन और ड्राइंग दोनों में अंतर होता है। अगर आप बात करते डिज़ाइन और बात करते ड्राइंग, तो दोनों में अंतर क्या है ध्यान से देखिएगा। इन द टर्म ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, डिजाइन का मतलब होता है लोड कैलकुलेशन, डायमेंशन कैलकुलेशन, ठीक। और अगर हम ड्राइंग की बात करें तो दैट इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग मतलब जहां पे हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं, और डिजाइन मतलब जहां हम लोग लोड कैलकुलेट कर रहे हैं, लोड कैलकुलेट कर रहे हैं, डायमेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी ईच एंड एवरी मतलब हर एक चीज की डिटेलिंग हम लोग क्लियर कट निकाल रहे हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ डिजाइन। देखिए डिजाइन में जो है, अगर आपको डिजाइनर बहुत अच्छा बनना है, मतलब स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग बोलते हैं, आप लोग बहुत बार सुने होंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको बहुत अच्छा डिजाइन के फील्ड में जाना है, तो इन दैट केस आप सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग को छोड़ के आप एसईडी पे ध्यान दें, ठीक है। वैसे सब्जेक्ट तो आपको सभी पास करना है, लेकिन एसईडी पे। एसईडी क्या है, कई आपकी यूनिवर्सिटी में इसका फुल फॉर्म अलग होता है, कई यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे एसईडी का मतलब होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिजाइन। आप इस सब्जेक्ट पे ध्यान दें, आपका बहुत अच्छा डिजाइन का कंसेप्ट क्लियर होगा, और आप फ्यूचर में एक अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन सकते हैं। इवन आप आगे चल के एमटेक में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाला कोर्स आप ऑप्ट करके एक अच्छा स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि देखिए अगर आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोप चाहिए, तो ये तीन चार जो पार्ट हैं, इस तीन चार पार्ट को अगर आप कवर करेंगे तो आपके पास जो स्कोप है अपने आप इजीली ओपन हो जाएंगे। बाकी ऐसे तो आपको अगर जाएं तो सिविल ऐसा ब्रांच है जहां पे आपको इतने आपको वेरियस टाइप्स ऑफ स्कोप्स मिलते हैं जिसकी गिनती ही नहीं है। अगर आप जाएंगे रोड पे जाएंगे तो रोड कंस्ट्रक्शन पार्ट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग का, डैम कंस्ट्रक्शन पार्ट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग का, अगर कोई घर बन रहा है दैट इज़ और पार्ट, ठीक है। अगर हम बात करें कहीं पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है दैट इज़ ऑल्सो और पार्ट, ठीक है। हाईवे का काम सिविल इंजीनियरिंग। आप मतलब पूरे वर्ल्ड को अगर आप एक ध्यान से देखें तो यहाँ ऐसा कोई वर्क नहीं है जो सिविल से रिलेटेड नहीं है। तो सिविल के लिए स्कोप बहुत है, लेकिन ये वो मेन पार्ट है जहाँ से आप बहुत अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो सिविल का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो कि सब्जेक्ट है आपका सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब बोल सकते हैं कि बिल्डिंग ड्राइंग। देखिए कई जगह आपका बिल्डिंग ड्राइंग के नाम से जाना जाता है, कई जगह सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से जाता है। बात एक ही है, दोनों में प्लानिंग ही होता है, ठीक है। अगर जो बच्चे डिप्लोमा लेके पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, या कुछ बच्चे जो बीआर कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको इन फ्यूचर प्लानिंग करना है तो आपके लिए ये सब्जेक्ट जो है एक इंपॉर्टेंट तौर पर यूज़ होता है। इवन आपका अगर मैं बात करूँ बीआर जो कर रहे हैं आर्किटेक्ट वाले के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको भी प्लानिंग करना रहता है, ठीक है। तो चलिए मैं तो पहले ये डिटेल देख लेते हैं कि हमारा जो कोर्स है, जो कोर्स कंटेंट है, वो हमारा कोर्स कंटेंट क्या रहेगा आने वाले वीडियोस में। तो मैंने 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड है, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल जो है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग बिल्डिंग बाय लॉज। इसमें एक्चुअली होगा क्या, ये थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देता हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि एक इंजीनियर है जो कि सिविल वाला है, और एक आपका नॉर्मल पर्सन है। अगर आप दोनों से बोलेंगे कि घर का प्लान बनाना है या किसी भी चीज़ का प्लान बनाना है, तो एक नॉर्मल जो पर्सन होगा उसके लिए प्लान क्या होगा कि ठीक है, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर देगा, उसके बाद बोलेगा हाँ यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, कुछ ऐसा बना देगा, मतलब कुछ भी उसके हिसाब से प्लान का मतलब कुछ भी, ठीक है। मगर एक बात करेंगे, जब इंजीनियर की बात करेंगे, एक सिविल इंजीनियर की बात करेंगे जो क्वालिफाइड होगा और जो इस सब्जेक्ट पे अच्छा कंसेप्ट रखता हो, तो उसके लिए प्लानिंग अलग चीज़ होगा। प्लानिंग मतलब प्रॉपर प्लानिंग। तो प्रॉपर प्लानिंग में क्या क्या प्रिंसिपल्स इंक्लूड होते हैं, क्या क्या हमें देखना है, एस्पेक्ट देखना है, प्रॉस्पेक्ट देखना है, ओरिएंटेशंस देखना है, प्राइवेसी को ध्यान में रखना है, ऐसे कई सारे कहते हैं आपके जो फैक्टर्स हैं जो आपका मतलब डिपेंड करता है प्लानिंग पे, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग में। सेकेंड जो है आपका बिल्डिंग बायलॉज। बिल्डिंग बायलॉज क्या होता है,
ध्यान समझिए, बिल्डिंग बायलॉज क्या होता है। बिल्डिंग बायलॉज जैसा कि नाम से क्लियर है, लॉज, लॉज यहाँ इंक्लूड हो गया, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके कलते जो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे। रूल एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहा है मतलब, अब ये रूल एंड रेगुलेशन क्यों फॉलो होगा, ध्यान समझिएगा कि एक्चुअली क्या होता है कि बिल्डिंग बायलॉज जो है, आपका कोई भी जो प्लान पास होता है या जो कोई भी प्लान को अगर आपका पास किया जाता है, तो वो क्या होता है कि इस तरीके से आपका प्लान होना चाहिए, किस तरीके से आपका क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होना चाहिए। देखिए, जो ये लॉज है, लॉज कभी भी हमारी कलते गलती के, मतलब हमारी असुविधा के लिए नहीं है, सुविधाओं के लिए। तो जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब कलते, अरे यार हम ऐसा घर बना देंगे, हम वैसा घर बना देंगे, इसमें लॉज क्या फॉलो करना है, तो उनके लिए उनको मुबारक हो। लेकिन एक्चुअल क्या है कि अगर आप लॉज फॉलो नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर आपको ही प्रॉब्लम होगा। वो कैसे प्रॉब्लम होगा, क्या क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो सारा चीज़ डिटेल मैं कल तक आपको बकायदा एग्जाम्पल के एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा बिल्डिंग बाय लॉज के बारे में और क्या क्या लॉज हमें फॉलो करना चाहिए। देखिए, जो लॉज हैं वो आपके नगर निगम के अधीन आते हैं। क्या है कि आपके जो प्लान होते हैं, जो उसको पास किया जाता है, वो उसको पास करने वाला कौन होता है, नगर निगम। नगर निगम मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ के इंजीनियर्स आपके पास करते हैं। देखिए, जो इंजीनियर पास करेंगे उनके पास कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। एक मैं अगर मैं बात करूँ तो ये जो वर्क है, एक्चुअली मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं खुद भी नगर निगम का इंजीनियर हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये क्लियर बता सकता हूँ कि मतलब क्या होता है कि बिल्डिंग बायलॉज जो होता है अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड मॉडल जो आपका कवर किया गया है, सेकेंड मॉडल में आपका जो नाम देख रहे हैं, सिंगल लाइन एंड डबल लाइन प्लानिंग, सिंगल लाइन डबल लाइनिंग प्लानिंग। अब देखिए, इसमें वर्ड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सिंगल लाइन और डबल लाइन क्या है। ठीक है, अभी इसे क्लियर करता हूँ। ठीक है, सिंगल लाइन क्या है, इसमें ऑब्वियस ही बात है, नाम से क्लियर है सिंगल लाइन, मगर सिंगल लाइन और डबल लाइन ये दो चीजें कैसे आ गई, ऊपर से प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए, समझिएगा, अगर मैं आपको ऑन द स्पॉट बोलूं, क्लियर समझिएगा, अगर मैं आपको ऑन द स्पॉट बोलूं कि आप अपने घर का मेरे को प्लान बना के दो, तो एक आप नॉर्मल वे में क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि यहां पे मेरा बेडरूम है, यहां पे किचन है, यहां पे आपका एक बेडरूम है, ये आपका हॉल है, यहां पे टॉयलेट है, ऐसा आप कुछ एक छोटा मोटा जो भी आपका प्लान मेरे पास रिप्रेजेंट कर देंगे। मगर आप ध्यान से देखिए, क्या आपका सच में ऐसा ही प्लान है, क्या एक्चुअल आपका प्लान ऐसा ही है? क्या आप लोग जब भी जाते हैं किसी भी मतलब फ्लैट को देखने, या मैं बात करूं कभी भी किसी, जैसे एक बार ट्राई कीजिएगा, आप लोग विजिट करिएगा जितने भी फ्लैट बिक रहे हैं, जितने भी आपके बंगलोज बिक रहे हैं, उनके पास जाइएगा, उनसे उनका प्रोस्पेक्ट मांगेगा और वो आपको अपने ब्रोशर देंगे, ब्रोशर को ओपन करिएगा, ब्रोशर में आपको प्लानिंग दिखेगा। प्लानिंग में देखिएगा ध्यान से, क्या आपको ऐसी सिंगल लाइन में आपका ड्राइंग दिया रहता है या डबल लाइन में दिया रहता है? तो देखिए, एक्चुअल क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, मेरे को समझाने दीजिए। मेन चीज़ क्या है कि मैं जब बात कर रहा हूँ डबल लाइन प्लानिंग की, डबल लाइन प्लानिंग मान लीजिए कि डबल लाइन प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, तो सपोज कीजिए कि अगर मैं इसी रूम को बना रहा हूँ, तो रूम को कैसे बनाऊंगा, ध्यान समझिएगा, मैं उसमें वॉल की थिकनेस लेकर रूम बनाऊंगा। क्या लेके बनाऊंगा, वॉल की थिकनेस लेके मैं उसमें रूम बनाऊंगा। ये आपका दरवाजे के लिए मान लीजिए ओपनिंग है, ये आपका सिर्फ इस पोर्शन को मैंने एनलार्ज किया, सिर्फ इस पोर्शन को मैंने एनलार्ज किया। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ सिंगल लाइन प्लान की, तो सिंगल लाइन प्लान में और डबल लाइन प्लान में एक छोटा सा बस डिफरेंस है जो कि क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जो सिंगल लाइन प्लान है उसमें क्या है, आपका थिकनेस ऑफ वॉल मिसिंग है और यहाँ पे थिकनेस ऑफ वॉल इंक्लूडिंग है। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, मैं आप लोगों से एक, जैसे कि अगर आपको अच्छा प्लानर बनना है तो थोड़ा सा रिसर्च भी करना आपके लिए ज़रूरी है, तो एक वर्क ये कीजिएगा कि जितने भी अगर आसपास के कोई अगर बिल्डिंग प्लानर या कोई भी मतलब आर्किटेक्ट है, या कहीं पे अगर आपका फ्लैट बिक रहा है जो भी है, उनके पास जाइएगा, उनसे ब्रोशर मांगिएगा, एक बार देखिएगा उनकी प्लानिंग्स कैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है सिंगल लाइन एंड डबल लाइन प्लानिंग, ये समझ गया। अच्छा, सिंगल लाइन एंड डबल लाइन प्लानिंग में हम घर के प्लानिंग कैसे करते हैं, ठीक है, घर में कैसे बनाना चाहिए। देखिए, मैं तो जो आपको बताऊँगा ये आपको क्लियर कट बता दूँ कि मैं जो भी ड्राॅइंग बताऊँगा, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरा ईडी का लेक्चर देख चुके हैं, उनको ये मालूम हो कि मैं जो भी ड्राइंग बताऊंगा वो बकायदा ड्राइंग कॉपी में मैं खुद बना के दिखाऊंगा, वो ये आपके ब्लैकबोर्ड पे वर्क किया हुआ नहीं रहेगा। एक्यूरेट किस तरीके से बनाते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं कि हाथ से आज के डेट में प्लानिंग नहीं होती है। ये हम लोग प्लानिंग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि ये कोर्स कंटेंट में, लेकिन हमें यहाँ से प्रिंसिपल सीखना है, तरीके सीखने हैं,
यहाँ से पूरा का पूरा कंसेप्ट सीखना है, और इस चीज़ को अगर आपको अच्छा प्लानर बनना है तो इन दैट केस आपको ऑटोकैड और ये आगे के जो भी कल सॉफ्टवेयर की सीरीज़ है वो सब करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपको वो सब पहुँचने से पहले थोड़ा सा जो आपका कंसेप्ट है वो यहाँ जनरेट करना पड़ेगा। जो मॉडल थ्री, मॉडल थ्री क्या है? सेक्शन एंड एलिवेशन। ध्यान समझिए, प्लान बना दिए, प्लान क्या होता है ध्यान समझिएगा, प्लान क्या होता है? टॉप से जब देखते हैं तो उप प्लान होता है, लेकिन अगर मुझे फ्रंट से देखना है तो मुझे उसका एलिवेशन चाहिए। जो ये एलिवेशन है दैट इज योर फ्रंट। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग घर का फोटो जो खींचते तो सामने से खींचते हैं, ठीक है, तो सामने खींचते तो वो एलिवेशन जो होता है दैट इज योर फ्रंट एलिवेशन। तो सामने से आपका घर कैसा दिखेगा, मैंने टॉप से तो प्लान बता दिया, लेकिन सामने से आपका लुक कैसा होगा दैट इज योर एलिवेशन, ठीक है, सामने से। अच्छा देखिए एक चीज क्लियर कर देता हूं, एलिवेशन डजंट मींस कि आपका फ्रंट से ही एलिवेशन होगा। मैंने वर्ड बोला है एलिवेशन, एलिवेशन मतलब होता है एलिवेशन और कुछ नहीं। मैंने यहां क्लियर नहीं बोला कि फ्रंट एलिवेशन, यहां सिर्फ वर्ड है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है कि मैं पीछे से चाहे बिल्डिंग को देखूं, चाहे साइड से देखूं, चाहे इस साइड से देखूं, चाहे फ्रंट से देखूं, मेरे लिए चारों तरफ से कल तक क्या मिलेगा, एलिवेशन। एलिवेशन मतलब हाइट, हाइट मतलब कि ग्राउंड लेवल से आपकी बिल्डिंग की जो हाइट है, जो आपका कल मतलब किसी भी साइड से आपका जो हाइट है दैट इज योर एलिवेशन। सेक्शन, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेक्शन क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है? सेक्शन जो होता है वो आपका डिटेलिंग बताता है कि आपके जो बिल्डिंग में, आपकी जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग आपका कंस्ट्रक्ट हुआ है उसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स यूज हुए हैं। जब ये सेक्शन कटेगा तो आपको क्या क्या कल कैसे कैसे आपका चीज़ें हैं अंदर रूम में कैसी है, वो जब मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा तब और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा बस एक नॉर्मल सा नॉलेज के लिए, मॉड्यूल फोर। मॉड्यूल फोर क्या है? मॉड्यूल फोर में है देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PHC, कैंटीन, हॉस्टल। देखिए दो चीज़ें होती है, ध्यान समझिएगा, दो चीज़ें होती है बिल्डिंग में, एक होता है पब्लिक बिल्डिंग, एक होता है प्राइवेट बिल्डिंग। एक होता है पब्लिक बिल्डिंग, एक होता है प्राइवेट बिल्डिंग। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कैंटीन, हॉस्टल, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है? पब्लिक बिल्डिंग है। पब्लिक बिल्डिंग मतलब हम कभी भी एनी टाइम वहाँ जा सकते हैं। एनी टाइम का मतलब ये नहीं कि रात के 12 बजे के बाद जाएँ, ऐसा नहीं, मत करिएगा नहीं तो मारपीट सब हो जाएगा। हम अच्छा, लेकिन हाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आप एनी टाइम जा सकते हैं, कैंटीन में मत जाइएगा, हॉस्टल में मत जाइएगा, ठीक है। तो आपका पब्लिक बिल्डिंग मतलब जो पब्लिकली आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, प्राइवेट बिल्डिंग मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज है या वो मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है, वहां पे किसी को भी दखल अंदाजी करने की कोई परमिशन नहीं है, दैट इज योर प्राइवेट बिल्डिंग। और पब्लिक बिल्डिंग मतलब जो आपका पब्लिक के लिए ओपन है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कैंटीन, हॉस्टल, ये किस तरीके से प्लानिंग होगा, इसको किस तरीके से हम लोग डील करना है वो हम लोग देखेंगे मॉड्यूल फोर में। मॉड्यूल फाइव पे आते हैं। मॉड्यूल फाइव क्या है? अब देखिए सीधी सी बात है, ज्वाइनरी शेड्यूल। ज्वाइनरी शेड्यूल क्या होगा देखिए समझिए, मैंने अभी वर्ड बोला ज्वाइनरी शेड्यूल। ज्वाइनरी का मतलब तो जो चीज ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन। अभी पूरी बिल्डिंग बनी है, मान लीजिए ये पूरा एक घर बना हुआ है, इस घर में सिर्फ और सिर्फ आप वॉल लगा दीजिए, ऊपर स्लैब लगा दीजिए, नीचे आपका फ्लोर है, ना आप बाहर निकल पाएंगे और ना अंदर आ पाएंगे। तो जो आप अंदर और बाहर करते हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनरी शेड्यूल के कारण कर पाते हैं, जो कि आपका डोर एंड विंडो को बोला जाता है ज्वाइनरी शेड्यूल, ठीक है। डोर और विंडो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी बिल्डिंग का, इसका प्लेसमेंट भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। खैर जब हम लोग करेंगे तो इसके बारे में हमें और अच्छे से डिटेल बताऊंगा जब इस पर वर्क करेंगे। नेक्स्ट आता है परस्पेक्टिव व्यू। परस्पेक्टिव व्यू, परस्पेक्टिव व्यू क्या होता है? छोटा सा मतलब एक हल्का सा नॉलेज देता हूँ, परस्पेक्टिव व्यू क्या होता है। हम लोगों ने आज तक 3-4 टाइप के व्यूज पढ़े हैं। पहला आइसोमेट्रिक व्यू, दूसरा ऑर्थोग्राफिक व्यू, तीसरा प्रस्पेक्टिव व्यू। अब ये प्रस्पेक्टिव व्यू क्या है? प्रस्पेक्टिव व्यू का एकदम बहुत प्यारा सा एग्जांपल आप ट्राई करके देखिएगा, आपको इजीली दिखेगा भी। एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि मान लीजिए प्रस्पेक्टिव व्यू की बात कर रहे हैं तो कैसा दिखेगा। आप सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे फ्रंट पे खड़े हैं और ये आपकी बिल्डिंग है। ये कोई बिल्डिंग है जो कि बिल्डिंग बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी है, मतलब इतनी लंबी है कि आप
अब इसे बिल्डिंग के तौर पे कंसीडर करना है तो कर सकते हैं, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। तो जब बिल्डिंग आपकी बहुत लंबी है और आप यहाँ पे खड़े हैं कंकाल के तौर पे, यहाँ पे आप खड़े हैं, आप यहाँ से व्यू देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग जब देखेंगे, बहुत लंबा जब बिल्डिंग है, तो आपको एक चीज़ व्यू क्लियर होगा कि वो बिल्डिंग जो है आपके सामने तो इक्वल हाइट की दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ते जाएगी वो कुछ ऐसा आपको शो होगा, कुछ ऐसा आपको धीरे 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 शो होगा, ठीक है? तो दैट इज परस्पेक्टिव व्यू। परस्पेक्टिव व्यू क्या होता है? कई टाइप के परस्पेक्टिव व्यू होते हैं, वन पॉइंट परस्पेक्टिव व्यू, टू पॉइंट परस्पेक्टिव व्यू, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में हम लोग डील करेंगे जब हम लोग मॉड्यूल 5 पे आएंगे, उसमें और अच्छे से डील करेंगे। एक बस हल्का सा एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि जब आप कहीं खड़े होते हैं और वहां से कोई चीज देखते हैं, तो आप किस तरीके से आपको चीजें दिख रही हैं, दैट इज परस्पेक्टिव व्यू, ठीक है? तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये हाइट है, ध्यान समझिएगा, जो ये हाइट है और जो ये हाइट है, दोनों हाइट सेम है, मगर हम लोग जब यहां से देख रहे हैं तो ये चीजें आपको धीरे 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 क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज होके दिख रही है। रीजन क्या है? कि इसका डिस्टेंस काफी दूर का है, ठीक है? तो दैट इज योर परस्पेक्टिव व्यू। तो ये सारा जो आपका कोर्स कंटेंट है ये हम लोग डील करेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग से, जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ये तो आपका थ्योरी पार्ट है, थ्योरी में भी आपको इंटरेस्ट से मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, लेकिन जब मैं मॉड्यूल 2 पे आ जाऊँ, तो मॉड्यूल 2 पे जब आ जाऊँ तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो मेरे ड्राइंग्स होंगे, एक आपको बात क्लियर कर देता हूँ कि ईडी और सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का एक ड्राइंग आपको कम से कम एक प्लान भी अगर हम लोग कर रहे हैं तो मोर देन 1 आवर से ज़्यादा टाइम लगता है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए प्लानिंग को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा, ठीक है? तो ये था आपका पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो मॉड्यूल है जो हम लोग डील करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ और स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज, एंड कीप शेयरिंग टू योर ऑल फ्रेंड्स, इवन जो डिप्लोमा वाले भी हैं, जो बी वाले भी हैं, इवन आपके जो आर्किटेक्ट वाले भी हैं। थैंक यू वेरी मच।